मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने वॉल्ट मैनेजर्स के नियम जारी कर दिए हैं जो शेयर बाजार को देश में गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने की अनुमति प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि सेबी ने सितंबर 2021 में एक गोल्ड एक्सचेंज स्थापित करने की मंजूरी दी थी। इस एक्सचेंज पर शेयरों की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की रिसीप्ट यानी EGR के जरिए कारोबार किया जा सकेगा। माना यह जा रहा है कि इससे सोने के हाजिर भाव में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। गोल्ड एक्सचेंज में सोने का प्रतिनिधित्व करने वाले इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट यानी EGR कहा जाएगा। इससे किसी सिक्योरिटी की तरह ही नोटिफाई किया जाएगा। स्टॉक की तरह EGR की ट्रेडिंग, क्लियरिंग्स और सेटलमेंट किया जाएगा और सोना आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा। इसमें सोने की फिजिकल डिलीवरी का भी विकल्प मौजूद रहेगा और इससे देश में गोल्ड के एक नए इकोसिस्टम बनने की उम्मीद जताई जा रही है। सेबी ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि वॉल्ट मैनेजर्स को सेबी इंटरमीडियरीज के तौर पर रजिस्टर्ड और रेगुलेट किया जाएगा। ये वॉल्ट मैनेजर गोल्ड की डिपॉजिट के लिए वॉल्टिंग सर्विस मुहैया कराएंगे जिससे EGR बनाया जा सकेगा। वॉल्ट मैनेजर की जिम्मेदारियां कुछ इस प्रकार होगी, जैसे कि गोल्ड डिपॉजिट को स्वीकार करना, गोल्ड को स्टोर करना और सुरक्षित रखना, EGR को बनाना और उसे विड्रॉ कराना, शिकायतों का निपटारा कराना और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड का फिजिकल गोल्ड के साथ मिलान करना शामिल होगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि जो भी वॉल्ट मैनेजर के रूप में बिजनेस करना चाहता है वह सेबी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आवेदन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन की योग्यता बताते हुए सेबी ने कहा है कि वह संस्था में रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसकी नेटवर्थ 50 करोड़ रुपए होना चाहिए। जारी किया गया रजिस्ट्रेशन तब तक मान्य होगा जब तक कि इसे सेबी द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाता।